शायर को जो मेरठ से आए हैं और एडवोकेट हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, और आप जाने एडवोकेट क्या होता है और कैसे एडवोकेट है, मैं आपको बता दूं। इनके पास जब भी कोई केस आते हैं तो मैंने खुद देखा है, दो आदमी आए, उन्होंने आके कहा कि हमारी गाली गलौच हो गई है तो आप केस दर्ज कीजिए, केस बनाइए। तो इन्होंने कहा गाली गलौच ये शब्द है खाली, इन पर कोई धारा वारा ठीक नहीं लगती है, सिर्फ फोड़ के आओ, ठीक से कुछ करके तो आओ कम से कम। ऐसे उत्तम वकील हैं, और इनकी शायरी आप देखिए, इन्हीं की चार लाइनों से इन्हें आवाज़ देता हूँ। भाई गुलशन मेरठी ये मेरे बाजू में ही बैठे हैं, इनकी लेखनी कहाँ तक मैं उसका वर्णन करूँ, चार लाइन से आवाज़ देता हूँ, इन्हीं की चार लाइन है कि महफिलें बिक गई तालियां बिक गई, महफिलें बिक गई तालियां बिक गई, है उपेक्षित नदी नालियां बिक गई, मेरे गीतों का ग्राहक ना ढूंढे मिला, उनकी लिखी हुई गालियां बिक गई। ओंकारनाथ गुलशन मेरठ से, बहुत धार्मिक भूमि है मेरठ, आप जानते हैं चिरपरिचित भूमि है मेरठ, सारे धार्मिक क्रियाकलाप वहीं से शुरू होते हैं। तो लीजिए, और मेरठ वो भूमि जहां पर कैंची बनती है, कभी आप जाइए तो चाहे जेब पर चले या गले पर चले, चलेगी, कैंची चलती है, वहां से आए हैं, कैंची की तरह इनकी जबान चलती है। आप इनका एक एक शेर आप सुनिए और दाद दीजिए। भाई गुलशन मेरठी, आप सबको प्रणाम करता हूँ, स्वागत, माँ शारदे को प्रणाम, समृद्ध मंच को प्रणाम, बहुत बड़े बड़े शायर गीतकार यहाँ उपस्थित हैं, मैं एक छोटा सा रचनाकार आपके बीच में उपस्थित हूँ, चार पंक्तियों से अपनी बात आप तक पहुँचाता हूँ। स्वागत। कि तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे पागल की तरह, अच्छा, तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे पागल की तरह, मैं चला जाऊंगा बरसात के बादल की तरह, भाई वाह 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 वाह, मैं चला जाऊंगा बरसात के बादल की तरह, और जानता हूं कि निगाहों से गिरा दोगे मुझे, जानता हूं कि निगाहों से गिरा दोगे मुझे, क्यों सजाते हो मुझे आंख में काजल की तरह, क्या बात है भाई, वाह वाह, मुझे आंख में काजल की तरह, वाह वाह, सजाते हो मुझे आंख में काजल की तरह। चार पंक्तियां सुने, उस गए दौर की कोई तो निशानी होगी, उस गए दौर की कोई तो निशानी होगी, अब भी आंगन में तेरे रात की रानी होगी, अब भी आंगन में तेरे रात की रानी होगी। मंच को समर्पित करता हूं कि सोई दुनिया को जगाने के लिए नगमों से, सोई दुनिया को जगाने के लिए नगमों से, हमको आवाज में आवाज मिलानी होगी, हमको आवाज में आवाज मिलानी होगी, हमको आवाज में आवाज मिलानी होगी। और देखिए हुजूर, वक्त के साथ साथ शायरी कैसे बदलती है। किन्ने कहा कि दिल को नाशाद अब नहीं करता, दिल को नाशाद अब नहीं करता, वक्त बर्बाद अब नहीं करता, वक्त बर्बाद अब नहीं करता, कि बेवफा तेरी बेरुखी की कसम, मैं तुझे याद अब नहीं करता, मैं तुझे याद, बेवफा तेरी बेरुखी की कसम, मैं तुझे याद अब नहीं करता, मैं तुझे याद अब नहीं करता। कोई अपना बहुत करीबी
जब धोखा देता है तो आप क्या महसूस करते हैं? देखिएगा, तिवारी जी बहुत बड़े गीतकार हैं उपस्थित। मैं तो तुझे याद अब नहीं करता, आस की डोर टूट जाए तो, आस की डोर टूट जाए तो, राह में साथ छूट जाए तो, राह में साथ छूट जाए तो, कि तुझ पे गुजरेगी क्या अगर तुझको कोई अपना ही लूट जाए तो। क्या बात है, गुजरेगी क्या अगर तुझको कोई अपना ही लूट जाए तो, कोई अपना ही लूट जाए तो। और हुजूर ये सब कहने सुनने की बातें कि मैं तुझे याद अब नहीं करता, ये सब झूठ मूठ बात है। अगर याद नहीं करता तो क्यों सुनाता ये बात आपको? असलियत क्या है बताता हूं कि तेरी यादों से मुंह न मोड़ूंगा, तेरी यादों से मुंह न मोड़ूंगा, उनका दामन कभी न छोड़ूंगा, उनका दामन कभी न छोड़ूंगा। और तू अगर दिल दुखा के खुश है मेरा, तू अगर दिल दुखा के खुश है मेरा, मैं तेरा दिल कभी न तोड़ूंगा, मैं तेरा दिल कभी न तोड़ूंगा, मैं तेरा दिल कभी न तोड़ूंगा, मैं तेरा दिल कभी न तोड़ूंगा। और सब किस किस तरह से आदमी टूटता है, शुक्ला जी देखें। रास्ता छोड़ने में टूट गया, रास्ता छोड़ने में टूट गया, अपना रुख मोड़ने में टूट गया, अपना रुख मोड़ने में टूट गया, कि वो तो टूटा था तोड़ने में मुझे, वो तो टूटा था तोड़ने में मुझे, मैं उसे जोड़ने में टूट गया। वाह 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 वाह, बेहतरीन, क्या बात है, वाह वाह, मुकर्रर, वाह वाह वाह। रास्ता छोड़ने में टूट गया, रास्ता छोड़ने में टूट गया, अपना रुख मोड़ने में टूट गया, कि वो तो टूटा था तोड़ने में मुझे, वो तो टूटा था तोड़ने में मुझे, मैं उसे जोड़ने में टूट गया। क्या बात है, वाह वाह, उसे जोड़ने में टूट गया। और हुजूर, 4-5 साल पहले एक पैरालिटिक अटैक हुआ मुझे, बहुत जबरदस्त, और बिस्तर पर रहा काफी दिन, और ये सोचता रहा कि कभी अब कविता सुना नहीं पाऊंगा, जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी, बहुत निराशा का वक्त था। और आप लोगों के स्नेह ने और ईश्वर की कृपा ने मुझे फिर इस लायक किया कि मैं आपके बीच आज मेरठ से चल के मुंबई हाजिर हो गया। बेशक बेशक, एक मुक्तागत करता हूँ, स्वागत है। मैं उसे जोड़ने में टूट गया, मैं उस गर्दिशे वक्त है जवान अभी, गर्दिशे वक्त है जवान अभी, मुश्किलों में है मेरी जान अभी, मुश्किलों में है मेरी जान अभी, कि जिंदगी सिर्फ ये बता दे मुझे, जिंदगी सिर्फ ये बता दे मुझे, और कितने हैं इम्तहान। क्या बात है, वाह वाह, कितने हैं इम्तहान, वाह वाह, और कितने हैं इम्तहान, और कितने हैं इम्तहान भी। और आइए दूसरी तरफ रुख अपना चेंज करते हैं। गजल के करीब करीब एक विधा है जिसे गुरुमुखी में टप्पा कहते हैं, माहिया कहते हैं, ये डेढ़ मिसरी गजल समझ लीजिए, एक मिसरा पूरा, एक मिसरा आधा। जी 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 जी, समझ रहे तुम। तो ये प्यार की परिभाषा अलग अलग मनीषियों ने अलग अलग तरह से दी है। कबीर कहते हैं कि ये तो घर है प्रेम का,
खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे तो बैठे इह माही। जिगर साहब कहते हैं कि इश्क नहीं आसा, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस दौर के बड़े कवि नीरज जी कहते हैं कि शौकियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा फिर नशा जो तैयार वो प्यार है। प्यार की एक परिभाषा आपके खाकसार ओंकार गुलशन ने देने की कोशिश की है, देखिएगा, अर्ज करता हूँ स्वागत। कि ये प्यार झमेला है, ये प्यार झमेला है, आज तलक मजनू जंगल में अकेला। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। आज तलक मजनू वाह वाह जंगल में अकेला है। दुनिया में जितने लोग अभी तक जीवित हैं हरियुग में, उनमें अश्वत्थामा हैं, नारद जी हैं, हनुमान जी हैं, और मजनू भी उसमें एक आदमी है। एक एक बहुत मशहूर शराब की कंपनी का स्लोगन है कि कैश मजनू का ही नाम है, कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, और खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। कि ये प्यार तो मान्यता है कि मजनू अब भी भटक रहा, कि ये प्यार झमेला है, आज तलक मजनू जंगल में अकेला है, आज तलक मजनू जंगल में अकेला है। प्यार करने वालों का अंजाम देखते चले साहब, कि दुनिया को नभाए थे, दुनिया को नभाए थे महीवाल सोनी दरिया में समाए थे, महीवाल सोनी दरिया में समाए थे। और आगे चले कि कैसी तकदीर मिली, कैसी तकदीर मिली, मर कर ही यारो रांझे को हीर मिली, मर कर ही यारो देवदत्त पानी भी नहीं पी रहा, अच्छे अच्छे पानी। तकदीर मिली मर कर ही यारो रांझे को हीर मिली, मर कर ही यारो रांझे को हीर मिली। और मीरा तो महारानी थी साहब, उनके सामने भी समस्या थी, देखिएगा अर्थ करता हूं। मर कर ही यारो कितने इल्जाम मिले, कितने इल्जाम मिले, राजमहल छोड़ा मीरा को शाम मिले, राजमहल छोड़ा मीरा को शाम मिले। कभी भी प्यार को सार्वजनिक मान्यता दी नहीं समाज ने, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो, भगवान के सामने भी प्रॉब्लम थी, देखिएगा। एक अर्थ करता हूं कि दुनिया सब जलती थी, दुनिया सब जलती थी, छुप छुप कर राधा कान्हा से मिलती थी, छुप छुप कर राधा कान्हा से मिलती थी। आप लोग ये सोचते होंगे कि प्यार है क्या जिसके लिए इंसान से लेकर भगवान तक परेशान है, लीजिएगा आपको बता दूं क्या है। कि जीते हैं न मर, क्या हालत होती है प्यार में, कि जीते हैं न मरते हैं, जीते हैं न मरते हैं, तुझ बिन रो रो कर दिन रात गुजरते, तुझ बिन रो रो कर आइए सर दिन रात गुजरते हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर।